चांदी एक शुभ धातु है और इस धातु से बनी वस्तुएं शुभ फल ही देती है। उसी तरह मोर मयूर भी देवताओं को प्रिय है। माता सरस्वती, भगवान श्री कृष्ण, कार्तिकेय और श्री कृष्ण जी की तस्वीर में यह शुभ पंछी देखा जा सकता है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में चांदी का मोर लाकर रखने से क्या लाभ मिलते हैं। नाचता हुआ चांदी का मोर घर में चल रहे धन संकट को दूर करता है। चांदी के मोर का जोड़ा वैवाहिक जीवन में प्रेम और खुशहाली लेकर आता है। चांदी के सिंदूर की डिबिया में चांदी का ही मोर बना हो तो यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। प्रेम और प्रसन्नता लेकर आता है। चांदी की सिंदूर डिबिया में चांदी का ही मोर बना हो तो यह पैच प्रेम और प्रसन्नता लेकर आता है। चांदी की सिंदूर डिबिया में चांदी का ही मोर बना हो तो यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। क्या ही बोलूं आज। प्रेम और प्रसन्नता लेकर आता है। चांदी की सिंदूर डिबिया में चांदी का ही मोर बना हो तो यह अखंड सौभाग्य का प्रतीक होता है। घर की बैठक में चांदी का मोर सफलता का संदेश लाता है। पूजा घर में शांत बैठा हुआ चांदी का मोर रखने से पूजा का पुण्य फल दोगुना हो जाता है। विवाह योग्य लोगों के कमरे में चांदी का मोर रखने से उनके मन में प्रेम और विवाह के प्रति रुझान बढ़ जाता है। भाग्य किस्मत लक में वृद्धि और चमक भाग्य या किस्मत या लक में वृद्धि और चमक चाहते हैं तो किसी भी पूर्णिमा के दिन चांदी का मोर लेकर आए और उसे तिजोरी में रखें। बता दें आपको कि हमें पूरी जानकारी वेबसाइट्स और अन्य जगहों से प्राप्त हुई। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। नेक्स्ट फ्रेंड स्पिरिचुअल गुड बॉक्स।